302 के केस में एक अभियुक्त ने एक अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड को मार के घर में ही दफना दिया है। साथ ही अपने बयान में उसने ये भी स्वीकारा है कि अपने माँ बाप को, जो कि 2010 के लगभग रायपुर में थे, रायपुर में उनकी भी हत्या करके उन्होंने रायपुर में ही एक घर में उनको दफन। हर इंसान के कई चेहरे होते हैं, जैसा कि हम सब की भीड़ का एक आम चेहरा है, मगर हम सब की पहचान एक दूसरे से अलग अलग है। मगर संघर्ष, तनाव और दुख सुख के किस्से एक दूसरे से मेल खाती हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी तरह हम सभी अधूरे हैं, और अपनी इन कमियों से लड़ने के लिए पहले इन्हें कबूल करना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया की इस उदेड़पन में अक्सर अपने आप से अपना ही सही पहचान कराने में अक्सर लोग चूक जाते हैं। आज के इस एपिसोड के किरदार भी कुछ इसी तरह ही गलती करते हैं, और जुर्म की बेरहम दुनिया के दलदल में फंस जाते हैं। इस कहानी का मरकजी किरदार उदयन दास, एक तालिब इल्म, दुनिया की इस भूल भुलैया में खोकर एक तालिब इल्म से मुजरिम बन जाता है। उदयन दास पढ़ाई लिखाई के मामले में निहायत ही कमजोर था, जिसकी वजह से इनके वालदेन अक्सर इसे डांट पिलाया करते थे, और कई बार ये अपने ही वालदेन को बेवकूफ बनाने में कामयाब होता था। लेकिन ये सिलसिला बहुत दूर तक नहीं चलने वाला था। वक्त के साथ साथ वालदेन की रोक टोक पर उदय पर बारी पड़ती जा रही थी, और आखिरकार इनकी बर्दाश्त जवाब दे गए। खून के रिश्ते कभी कभी इंसान को इस हद तक खींचते हैं कि इंसान को खून पानी नजर आने लगता है, और इन रिश्तों पर की गई कई बरसों की मेहनत बोझ लगने लगती है। उदय भी कुछ इसी तरह की कश्मकश का शिकार इस वक्त हुआ जब सोशल मीडिया का बोझ इनके वालदेन के सपनों से ज्यादा भारी लगने लगा। उदय के वालदेन का भी एक आम माता पिता जैसा सपना था। इनका सपना था कि उदय पढ़ लिख कर इंजीनियर बने। इन बेचारे सादा लोग वालदेन को इस बात की भनक तक नहीं थी कि इनके बच्चे के मन में क्या चल रहा है, और वो इस बात से भी बेखबर थे कि इनके सामने बैठा इनका बच्चा अब सोशल मीडिया की इस सरहद को पार कर चुका है, जहां से वापसी बहुत ही मुश्किल है। और अपने सपनों को सच साबित करने के वास्ते उदय के वालदेन का दबाव इन पर रोज बरोज बढ़ता गया, और आखिरकार उदय ने इस दबाव भरी जिंदगी से छुटकारा पाने का फैसला किया। 2010 की एक सपेर उदय ने अपनी आज़ादी हासिल करने का दिन तय किया, और मौका पाकर अपनी माँ का गला घोंट कर कत्ल कर दिया, और अपने पिता के इंतजार में बैठा रहा। जब इनके वालिद बाजार से वापस आए तो इन्हें नशा आवर दवाई मिलाकर चाय पिला दी। चाय पीने के फौरन बाद इनके वालिद नशे की वजह से बेहोश हो गए, जिसका फायदा उठाकर उदय ने इनका भी गला घोंट लिया। अपने वालिदैन के कत्ल के बाद इस पत्थर दिल इंसान ने इन्हें अपने घर के ही सहन में तकरीबन 8 फुट गहरा गड्ढा खोदा, और इसमें इन्हें गाड़ दिया। इसके बाद इनके पंख जुर्म की दुनिया में आजाद हो गए, और सोशल मीडिया में मुकम्मल तौर पर उदयन दास गुमनाम हो चुके। इस सोशल मीडिया की दुनिया में बसने वाले उदय ने अपने आप को एक निहायत ही कामयाब प्रोफेशनल जाहिर किया हुआ था। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट से खूबसूरत लड़कियों को फांसने की कोशिश में जुटा रहा, और आखिरकार बाकोरा की रहने वाली आकांक्षा इसके जाल में फंस गई। आकांक्षा को इसने बताया कि वो अमेरिका में और कई विदेशों में काम कर चुका है, और इन्हें भी विदेश में काम दिला सकता है। इसके इस विदेश में नौकरी के में आकर आकांक्षा इसके दोस्ती के जाल में पूरी तरह फंस गई। इस शातिर अपराधी ने सिर्फ आकांक्षा को ही यकीन नहीं दिलाया, बल्कि आकांक्षा के माता पिता को भी यकीन दिलाया। आकांक्षा के माता पिता उदय को मन ही मन में दामाद के रूप में कबूल कर चुके थे। आकांक्षा अपने माँ बाप की इजाजत से उदय से मिलती जुलती रही, और आखिरकार वो दिन आ गया जब आकांक्षा आखिरी दफा मिली। आकांक्षा के माँ बाप के मुताबिक आकांक्षा अमेरिका जाने के लिए घर से रुखसत हुई और कभी वापस लौट कर नहीं आई। आकांक्षा के घर से रुखसती के बाद उदय ने आकांक्षा के माता पिता को इस भरोसे रखा कि इनकी बेटी अमेरिका में खैरियत से है, और उदय खुद ही आकांक्षा के मोबाइल से मैसेज करता रहा। आखिरकार माँ बाप का अपनी बेटी से मिलने का सबर जवाब दे गया, और आकांक्षा के माता पिता को शक होने लगा तो वो पुलिस के पास चले गए। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो चौंका देने वाले सच सामने आ गए। आकांक्षा, जिनके माँ बाप ये मान कर बैठे थे कि इनकी बेटी अमेरिका में है और खैरियत से है, वो कभी देश से बाहर गई ही नहीं थी।
वो खैरियत से थी सिर्फ सोशल मीडिया पर, जो कि उदय ने सच छुपाने के लिए दिखा रखा था। पुलिस ने जब उदय को धर लिया, इस भयंकर अपराध का खुलासा हुआ। उदय ने बताया कि इसने आकांक्षा को मारकर अपने घर में मकबरा बनाया है और ये भी कबूल किया कि अपने माँ बाप को भी मारकर घर के सहन में दफना दिया है। आजकल उदय पुलिस की हिरासत में है और इन पर कत्ल के मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।